हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे निगेटिव सेंटेंसेस चल रहे थे, तो कुछ निगेटिव सेंटेंस और आज मैं करवाता हूँ, उसके बाद में टॉपिक को क्लोज करता हूँ। तो सेंटेंसेस देखिए, हर एक टाइप के सेंटेंस आपको मालूम होने चाहिए। इसी तरीके से सीधे सीधे सेंटेंस में किसी भी एंगल से कोई भी सेंटेंस आ जाए जिसे आप अटेम्प्ट कर लें। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रवि को मैं श्याम के पास जाते हुए नहीं देखा, तो आपका नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स योर सेंटेंस इज निगेटिव। अब देखो, रवि को मैं श्याम के पास जाते हुए नहीं देखा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन रहा है? बहुत से बच्चे रवि सोच रहे नहीं, ये आपका सब्जेक्ट है। रवि को मैं श्याम के पास जाते हुए नहीं देखा, इसका मतलब हुआ मैं रवि को श्याम के पास जाते हुए नहीं देखता हूँ। लेकिन कभी कभी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में भी आया जाता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस समझना, फिर उसको आगे पीछे करके देखना भी है, हिंदी वाला हो या इंग्लिश वाला, फिर क्लियर मीनिंग हो गया। तो रवि को मैं श्याम के पास जाते हुए नहीं देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं आपका सब्जेक्ट हूँ, तो ये सब्जेक्ट आपका बना। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर वही पुराना वाला आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आइए, रवि को मैं श्याम के पास जाते हुए नहीं देखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब है आपकी, तो सी हो जाएगा। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ है कि लिखा हुआ नहीं देखता हूँ, नहीं देखता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव आई होगा। तो आई के साथ निगेटिव की डू का यूज होता है, तो आई जब डू होगा तो डू के साथ नॉट भी आएगा, तो आई डू नॉट सी, मैं नहीं देखता हूँ, इसको नहीं देखता, तो रवि, आई डू नॉट सी रवि, मैं रवि को नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट सी रवि। क्या करते हुए नहीं देखते हो? श्याम के पास जाते हुए, श्याम के पास जाते हुए, आई डू नॉट सी रवि। जाते हुए, जाते हुए, आते हुए, सब में आई जी फॉर्म वाली वर्ब आती है, लाफिंग, स्विमिंग, रनिंग, तो आई डू नॉट सी रवि गोइंग श्याम के पास, आई डू नॉट सी रवि गोइंग नियर श्याम। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा सेंटेंस, आई डू नॉट सी रवि गोइंग नियर श्याम, मैं रवि को श्याम के पास जाते हुए नहीं देखता। तो ये आपको क्लियर हो गया सेंटेंस। दूसरा देखो, विवेक एक उल्टी हुई चिड़िया को एक तीर से नहीं मारता, विवेक एक उड़ती हुई चिड़िया को एक तीर से नहीं मारता, ये भी बिल्कुल सेंटेंस वैसे ही। तो विवेक एक उड़ती हुई चिड़िया को एक तीर से नहीं मारता, तो सब्जेक्ट आपका बना विवेक, विवेक एक उड़ती हुई चिड़िया को एक तीर से नहीं मारता, तो विवेक डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए डज का यूज होगा, विवेक डज नॉट, चिड़िया मारने के लिए सूट का प्रयोग होता है, तीर से जब मारा जाता है, विवेक डज नॉट सूट, इसको नहीं मारता, एक उड़ती हुई चिड़िया, विवेक डज नॉट सूट बर्ड फ्लाइंग, विवेक डज नॉट सूट अ बर्ड फ्लाइंग। तो फिर जिस तरीके से यहाँ पर रवि गोइंग, यहाँ पर क्या होगा, बर्ड फ्लाइंग हो जाए, फ्लाइंग बर्ड नहीं होगा, फ्लाइंग बर्ड होगा तो इसका मतलब उड़ने वाली चिड़िया, और यहाँ क्या उड़ती हुई चिड़िया। तो जिस प्रकार से रवि यहाँ पर आया उसके बाद गोइंग, इसी प्रकार से बर्ड भी अपना उसके बाद फ्लाइंग आ गया, तो विवेक डज नॉट शूट अ बर्ड फ्लाइंग, इससे नहीं मारता है, एक तीर नहीं मारता है। तो तीर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके पहले प्रपोजिशन क्या हमेशा आता है, बिथ, विवेक डज नॉट शूट अ बर्ड फ्लाइंग विथ एंड, तो विवेक डज नॉट शूट अ बर्ड फ्लाइंग
विद एन एरो। अगर उड़ने वाली चिड़िया होती तो इस तरीके से होता, विवेक डज नॉट सू अ फ्लाइंग बर्ड, उड़ने वाली चिड़िया, तब ये जिरंट टू रूट मिल लेता, विवेक डज नॉट सू अ बर्ड फ्लाइंग विद एन एरो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सेंटेंस, ठीक है। कल मैं इससे आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करवा दूंगा, और कल और परसों तो ये आपका टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा हो जाएगा। इसको सबको आपका होमवर्क वाली कॉपी में नोट करना है, जिससे कि पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए, और होमवर्क को भी डेली सेंड करना है। थैंक्स फॉर टुडे।